फ्रेंड्स, फूड फॉरएवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रजनी वर्मा और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा, जो बहुत ही जल्दी और मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पिज्जा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहता है। कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड, जैसे कि सबके घरों में होती है। और इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर केचप डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इस तरीके से आप लोगों फैला लीजिए इसे। मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी शेजवान चिली गार्लिक सॉस। आपको स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो थोड़ा और ज़्यादा डाल दीजिएगा। इसको हम अच्छे से इसको फैला लेंगे ब्रेड में। देखिए, घर में कोई भी चीज़ हो तो बेकार नहीं होती है। हम छोटी मोटी किसी भी चीज़ से कुछ भी बना सकते हैं। कई बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का मन है और पिज़्ज़ा नहीं है घर में के लिए, तो हम ब्रेड पिज़्ज़ा खिला सकते हैं उन्हें। और देखिएगा, बच्चों को ये उतना ही पसंद आएगा जितना कि पिज़्ज़ा। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं और बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो देखिए, हमने अच्छे से ब्रेड में फैला लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर। पनीर देखिए हेल्दी भी होता है, आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, उन्हें प्रोटीन भी मिलेगा। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्हें बना के खिलाइए। जैसे हमने डाल दिया पनीर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, जो मैंने बारीक चॉप कर दिए थे। आपके घर में जो भी चीज़ आपको पसंद है आपके बच्चों को, आप इसमें डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स में मटर भी आप डाल सकते हो। और इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। हमारे शिमला मिर्च, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इस समय मेरे पास चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास है इस समय चीज़ सॉस, तो मैं चीज़ सॉस डाल रही हूँ। आपके पास अगर घर में इस समय चीज़ हो, चाहे मजरेला चीज़ कोई भी, तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ, चीज़ सॉस। ये पड़ गई हमारी चीज़ सॉस। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। आपको अगर काली मिर्च पसंद है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसे हम चलते हैं पैन में सेकने के लिए। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा मक्खन। और इसमें मैं रख दूंगी ब्रेड, जो कि हमने पहले अभी तैयार करी थी। ये बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार हो जाता है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी लगती है। बच्चे जब शोर मचाए तो झट से अपनी ब्रेड लिए और बना लिए। अब इसको हम ढक देंगे लो फ्लेम में। आप इसे बीच में चेक करते रहिएगा, बहुत देर मत रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम में ही 2-4 मिनट में आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। अब लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारी ब्रेड नीचे से भी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी यमी लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। मेरे को देख करके ही मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए, चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। और देखिए, देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है कि मन कर रहा है बस झट से उठाओ और खा लो। तो आप भी अपनी रसोई में जाइए, देर किस बात की है, आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे
दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।